ऑप्शनल फाइन। आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही मजेदार ट्रिप पे और हम लोग हैं जैसलमेर के थारने के स्थान पे। और लेजेंड पे जा रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं रेत का टीला है और बैठे इसमें इसमें थार वाले जीप में। तो मैं हूँ, यशवी है और यशवी की मम्मी है। और देखिए तीसरी इतनी बड़ी हो गई, काफी समय हो गया ब्लॉग बनाते हुए और काफी समय हो गया ब्लॉग नहीं बनाते हुए भी। बट आज हमने सोचा कि ये जो थार वाला जो ब्लॉग है ना उसको शूट किया जाए और इसको बहुत ही जल्दी दिखाएंगे आपको। मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, पीछे आप देख सकते हो पूरा रेत का टीला और यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर, ऐसा इनका कहना है कि 20 से 25 किलोमीटर की राइड है। मुझे नहीं लगता कि 20 से 25 किलोमीटर की राइड होगी। होगी क्या 20 से 25 की? लग रहा तुमको? तीन रेगिस्तान। तो जो सबसे लास्ट वाला है वो थार है, तो वो बहुत बड़ा रेत का टीला है ऐसा बोला जाता है। और इस साइड आप देखोगे ना तो पूरी कैंपिंग लगी हुई है। ये जो हमारे इस साइड है ना सामने पूरी कैंपिंग लगी हुई है। होपफुली हम लोग रात को कैंपिंग करेंगे, कैंप में रुकेंगे। बहुत ही कॉस्टली है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना कॉस्ट है। और अब गाड़ी जा रही है अंदर की तरफ, तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पप्पी यशवी बोल भी रही थी पापा आजकल आप ब्लॉगिंग नहीं करते हो। क्यों क्यों बोल रही थी यशवी? पापा आजकल वीडियो नहीं बनाते हो? तो जब बनाता था तो अच्छा लगता था आपको? हाँ, हाँ? हाँ, मैं भी बनाने लगती था। अच्छा, तो आपसे हम बनाएंगे, ठीक है? हाँ। ओके, आप भी बनाओगे साथ में? येलो वाला वो था, लाइट वाला, और आपको ब्लैक वाला कैमरा। वो ब्लैक वाला कैमरा बेटा लाए तो हैं बट वो तो ऑन ही नहीं कर रहे ना डैडी, क्योंकि ब्लॉग तो आजकल बनाते नहीं है डैडी। बट आपसे आपने बोल दिया तो ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है? कैसा लग रहा है दिशा? ये देखो बहुत अच्छा। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम भी करते हो ऐसे? ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। ओके, हवा भी आ रहा होगा क्योंकि जो मैं शूट कर रहा हूँ वो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। ये देखिए जैन अंपायर, और ये ब्लैक कलर का न्यू थार है जैसा अभी सामने से क्रॉस किया। ये पुराना है महिंद्रा का और जिसमें हम लोग बैठे। कैसा लग रहा है? अच्छा ऐसे भी दो रहा है? अरे वाह बहुत सुंदर। धूल का अंबार आपको देखने को मिलेगा आगे, पूरा धूल ही धूल है। और उम्मीद है कि जब हम लोग वापस आएंगे ना तो पूरा धूल धूल हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। वर्षा देखो ऊपर देखना हो तो पूरा धूल धूल धूल। एक तरह का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आज पहली बार। और आप लोग देख रहे हो मेरा मुँह छेने स्टाइल हमने रखा है। अभी मैंने दाढ़ी बढ़ा दिया था, उसके बाद फिर मैंने मूछ रख लिया। बहुत एक साल में बहुत चेंजेस आए हैं, ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे बताएंगे आपको बाद में, अभी आपको लेके चलते हैं। और रास्ता बहुत ही खराब है। ये पहला रेत का टीला मिला है हमें जहाँ से गाड़ी निकल रहा है, टीला नहीं है। ये देखो आप, ये पूरा रेतम रेत फड़ा पड़ा है। ओहो ये मजा आता है यहाँ पे, ये मजा आता है। देखो आप रेत की क्वांटिटी देखो, और ये सामने एक गाड़ी आ रही है और हम लोग जा रहे हैं इधर, और ऊपर चांद। अरे चांद जाने की पकड़ो, मजा आ रहा है। झूला झूल रही, झूला इधर झूल रहा है। यशवी क्या क्या झूल रही हो? मैं गाड़ी पे झूल रही हूं।
ये देखो इसको मजा आ रहा है किससे? अच्छा अच्छा ऐसा 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 ये देखिए रेत 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 अरे मैं तो खुद दब गया हूँ ना, अरे मैं तो खुद दब गया हूँ ना, मैं क्या करूँ? देखना इधर चोट ना लगे तुमको। गजब का रेत है भैया, माल भी खराब हो रहा है। ओह माय गॉड, इतनी रेत में गाड़ी चल रही है ना, ये तो वाकई लाजवाब है। मजा है, क्या रिकॉर्ड करूं क्या नहीं रिकॉर्ड करूं मोबाइल में समझ में नहीं आ रहा, ये जबरदस्त है। अरे मुझको पकड़ लो मारानी। पकड़े रहना डैडी, छोड़ना मत। ये देखो हमारी थार है और सामने से स्कॉर्पियो भी दबा के चलते आ रही है। गाड़ी अचानक रुक गई, टूटा तो नहीं? टूट गया। क्या टूट गया कुछ टूट गया गाड़ी का कुछ टूट गया हमारी गाड़ी का, अब शायद नहीं चलेगी। नहीं नहीं खड़ी नहीं निकल रही है, शॉकअप टूट गया, अब क्या करें? ये गया, शॉकअप टूट गया और सामने एक गाड़ी है उसकी भी हालत खराब है। मैं दिखाता हूँ स्कॉर्पियो, इसलिए अब अपनी गाड़ी से आया ना तो कभी नहीं आए, तो गाड़ी की ऐसी तैसी हो जानी है। तो ये गाड़ी का कुछ स्प्रिंग वगैरह टूट गया, भैया बता रहे हैं कि कुछ किया जा सकता है। इनकी भी सेम थार है तो इनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेट्स सी। और ये देखो कैसे ले जाओगे ये गाड़ी आप? आप अंदर बैठो, अंदर तो बैठ जाऊंगा, बट ये गाड़ी टोचन होके जाएगी। अब वो तो मिस्त्री लाएंगे, ये चीज तो ठीक है। सही है, ये तो शायद अभी स्टीप नहीं थी, स्टीप तो ठीक होगा नहीं? हाँ हमने क्या धीरे आ रही थी। हाँ धीरे, हमें पता चल रहा था हम कितना धीरे थे आप पर उछल रहा था गाड़ी। ये ढेर सारी गाड़ियां हैं, जबरदस्त। कैसा लग रहा है? एक बार मिलाओ। फोन मिला दिया। हेलो हेलो, अभी तो पूरा मजा ही किरकिरा हो गया है। मजा ऐसा कि अपनी गाड़ी हो गई खराब, 20-25 मिनट से वेट कर रहे हैं दूसरी गाड़ी का। अब दूसरी गाड़ी आएगी, कितनी घुमाएगी पता नहीं बट जितना भी घूमे बहुत मजा आया। अभी वेट कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां पार हो रही है। ये बैक साइड से आप देखो, मतलब हजारों गाड़ियां यहाँ पे, हजारों। अभी हम लोग दूसरे को देख के मजा ले रहे हैं और सब हमारी मजे ले रहे हैं। जी हाँ, क्या हो गया, नाराज क्यों हो रही हो भाई?
अरे गाड़ी हमने थोड़ी खराब किया है, इधर तो देखो नाराज क्यों हो रही है, जाना है। सनसेट ही खत्म हो जाएगा। ये देखो सनसेट यहाँ से भी देख सकते, देखो ये देखो सनसेट, सूरज डूब रहा है यार। तुम इसमें मेरी क्या गलती है, उसको बोलेंगे भाई तू कल फिर हमको इसी पैसे में घुमा देना, ठीक है, हम लोग फिर कल आ जाएंगे, ठीक है। भाई साहब दूसरे को रोक के कंसल्ट कर रहे हैं, बट इसमें ना बड़ा सा मोटा सा जो मैंने आपको दिखाया वो टूट गया, उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं आपको चेंज करना ही पड़ेगा और यहाँ से ले जाना, इट इज़ वेरी गोइंग टू डिफिकल्ट। अब नई गाड़ी आ जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग उस गाड़ी के साथ कर सकते हैं, अभी तो वेट ही करेंगे। समय हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, सनसेट ऑलमोस्ट यहाँ से भी दिख रहा है। वो पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी आ गई अभी, ये लॉक हो गई। ओके बैठो, खड़े यशवी को मैं दिखाता हूँ, यशवी खड़े हो जाओ, बीच गिर जाएगी भाई वो। कैसा लग रहा है इसको, सब अच्छा लगता है। सारा खाना पच गया, तो हम लोग आ गए हैं डेजर्ट पे। ये थार डेजर्ट है ऐसा बोल रहा है, मुझे 100% कंफर्म मालूम नहीं है, तो यशवी कुछ बनाने वाली है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये तुम भी बनाओगी? तो ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती है, यहाँ पे आप इस तरह से पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और कैमल राइडिंग भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह के कैमल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, कैमल्स राइडिंग यहाँ पे हो जाएगा और वो छोटा सा स्कूटर भी मिलेगा आपको। उस स्कूटर का जो कॉस्ट है ना वो 2500 रुपये 7 किलोमीटर, बट समय ऐसा हो रहा है कि 7 किलोमीटर तो क्या है घुमाएंगे ये लोग। 25 किलोमीटर की राइड बोला था, बट 25 किलोमीटर की राइड नहीं है, ये 5-6 किलोमीटर की राइड हो सकती है। और यहाँ पे गाड़ियाँ आप देख सकते हो और काफ़ी अच्छा सनसेट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। जब उसका 7000 ले रहा है तो वो तो 20-25000 रुपये मांगेगा मुझे लगता है, अभी तो कुछ भी पैसे मांग लेंगे लोग। वाकई मज़ेदार तो है। डेजर्ट में चाय पी के कैसा लग रहा है तुम्हें ये तो बता दो। चाय अच्छी चाय नहीं है? कितने की पूछो? 4 रुपए की। कहाँ चाय पी रही है तो देखो, यहाँ तो पानी भी महंगा है। मुट्ठी बांध के दिखा, पूरी निकल गई, कितनी बची? कितनी बची? जो लोग बोलते हैं ना कि मुट्ठी में रेत फिसल जाती है, उसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, दिखाओ रेत, ये देखो पूरा जोर से करो, ऐसे करो, पूरा गिर रहा है, नहीं रुक रहा है। अरे सही में, अरे नहीं रुक पा रहा है, नहीं रुका, ये देखो ठीक है, चलो करो, बंद करो, बंद करो। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि रेत से मुट्ठी से कैसे रेत निकल जाती, नहीं रुक पा रही हो, नहीं रुक पा रही हो, अपने आप गिर रहा है, अब रुक गया, अब कुछ भी नहीं गिरा, अभी भी गिर रहा है, आई कैन सी इट, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, रोक के दिखा। अच्छा नहीं नहीं तो लास्ट तो नहीं गिरना चाहिए ना, क्यों अभी भी गिर रहा है, गिर रहा है। सर प्रॉब्लम ये हो गया कि हम जिस गाड़ी से आए वो गाड़ी बीच में खराब हो गई, दूसरी गाड़ी आई वो किसी दूसरे को लेके आई थी, वो उसको यहाँ पे छोड़ के फिर उसको वापस लेके गए हैं, अब वो गाड़ी वापस आएगी तो हमें लेके जाएगी, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग। तो जो डर था वही हुआ, रात हो गया और बीच में गाड़ी ख़राब, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और कुछ लोग कैमल राइड करके आ रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं, वो उतरते हैं ना तो उसका रिएक्शन कैच करना बहुत ही मज़ेदार होता है। कितना छोटा सा बच्चा है देखो, देखो ट्रेंड है,
ओ हीरो हीरो रात हुआ बट कैमल राइड फाइनली मिल गया है। ओहो अंधेरा हो रहा है, एक चक्कर बढ़िया घुमा दो बस। हाँ हाँ बाय 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 तुस्या। और मेरी आवाज आपको नहीं आ रही होगी, पीछे टेंट आप देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देख लीजिए। अभी जो मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाया था जिसपे कुछ कलाकार लोग यहाँ पे गाना बजा रहे थे, मैंने आज ब्लॉग भी बनाया, आपको मालूम नहीं होगा काफी दिनों के बाद मैंने ब्लॉग बनाया है जी। और उस ब्लॉग में जैसलमेर का है डेजर्ट जो हम लोग घूमने गए थे उसका पूरा सीन है। खमागणी तो ये वही कलाकार लोग हैं जो यहाँ पे बैठ करके हम लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, और इनका भी एक इतिहास है, वो इतिहास कभी हम लोग इनके घर जाएंगे ना, हमने बोला भी है इनको कि हम कभी आएंगे आपके यहाँ तो आप लोग वेलकम कीजिएगा, तो इन्होंने बोला भी है हम वेलकम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। समीर खान नाम है आपका? सुमार खान। मैंने नंबर सेव कर लिया है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम इब्राहिम खान। और अभी जो आप गाना सुन रहे थे, इब्राहिम खान जी जो गा रहे थे, वो एक गाना गा रहे थे बकरी पे, ये गए हुए थे एक गाँव में और वहाँ से इनको मिला बकरी, गिफ्ट में बकरी मिला, तो जब वो लेके आए तो वो बकरी चोरी हो गया। अब चोरी हुआ तो यूं हुआ कि उन्होंने अब चोरी हो गया और वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और वो चोर भी पकड़ा गया। तो ये इतने महान कलाकार लोग हैं कि वो जो पूरी घटना है उसको इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, संगीत में बदल लिया और काफी बढ़िया गाना भी इन्होंने गा के सुनाया। बस हम 2-4 लाइन मतलब 1:30 सेकंड का गाना सुनेंगे और फिर इनको भी जाना है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गाना आपको भी थोड़ा समझ में आए और हमारे ब्लॉग में भी आएंगे तो इनको भी याद रहेगा कि मतलब किसी यूट्यूबर भैया से मिले थे जैसलमेर में तो गा सकते हैं। हाँ इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, छोटा सा बड़ा हो जाएगा, जैसे मेरा भी छोटा सा है बड़ा हो जाएगा उम्मीद है। तो अपना यूट्यूब चैनल का नाम द यंग स्टार म्यूजिकल बैंड सम। सम इस जगह का नाम है, विराजमान है उस जगह। हाँ हम जहाँ विराजमान है, ये टूरिस्ट पॉइंट है जैसलमेर का, डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे लोग आते हैं और इस तरह के कैंपिंग टेंट आपको मिलेंगे, काफी बढ़िया अनुभव रहेगा आपको। तो वो गाना सुनते हैं 30-40 सेकंड का, आपको बुरा ना लगे तो चलेगा ना। ओ मलोड़े सोईर बकरी रेण बिसेर में गोईर बकरी आईर बकरी मलोड़े सोई ओठे पुड़े में टपारे काड्या टरबो में पुगई ए चोरे माथे चक्कर कढ़ाया केबरो में बताई रे बकरी आई रे बकरी मालोने सोई ओ आई रे बकरी मालोने सोई मालोने सोई रे बकरी रेण बिसिर में गई मालोने सो आईर बकरी रैण बसेर में गईर बकरी आईर बकरी मालोने साई। थैंक यू। तो ये एक छोटा सा मुलाकात था सैम के कलाकारों के साथ, अच्छा लगा होगा उम्मीद है। तो आप लोगों से बहुत अच्छा लगा मिलकर के, उस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कैंप में है, मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे कि कैंप कैसा है, अंदर का रूम कैसा है, बाथरूम कैसा है, और सुबह जल्दी निकलना भी है। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। खमागणी को रिपीट में क्या बोलेंगे? घनी खम्मा। थैंक यू।
ओ मलने साईर बकरी रेण बसेरम गईर बकरी आईर बकरी मलने साई। पर सबसे अच्छी चीज थी कि बकरी आपको मिल गई।